देखिए गाइस, 3240 रुपए का पिज्जा, बाय गॉड। सो देखिए गाइस, सुबह के बज रहे हैं 3:15 और हमारी खिड़की से आ रहा है पानी, पूरे कमरे में पानी भर गया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, रात को वाइपर लगा रहा हूँ, ये चल रहा है इस टाइम पे। तो फिलहाल P4 पानी, पूरे कमरे में पानी पानी। चलिए जी, लगाइए वाइपर। एक कविता पढ़ी थी बचपन में, वाटर वाटर एवरीवेयर, वही हो रहा है इस टाइम पे। फिलहाल तो वाइपर लगा लिया है, उसके बाद का पता नहीं क्या होता है, लेकिन बारिश फिर भी आई है, भी बहुत तेज बारिश आ रही है। गजब की बारिश। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का जो टाइम हो रहा है अभी 12:20, लेकिन गाइस जो मैंने वॉक की स्टार्टिंग करी है आज, वो करी है 3:15 बजे। और आपको पता है 3:15 बजे क्या हालत थी मेरी, कितना खतरनाक वाली, मतलब बारिश आ रही थी और बिल्कुल पानी पानी हो गया था कमरे के अंदर, तो मेरी तो बैड बज गई थी भाई। और अचानक से बादल गरजे, बिल्कुल ऐसी आवाज आने लगी और पानी आने लगा रूम के अंदर, तो मैं तो घबरा गया था। मैंने कहा पता नहीं कहीं आज बाढ़ ना आ जाए, लेकिन ऐसा खैर हुआ नहीं। खैर गाइस, मैं भी नहा धोकर तैयार हूँ पूरा, मैंने साफ सफाई भी कर ली है, झाड़ू भी कर लिया, पोछा भी कर लिया, पूरा कमरा साफ हो चुका है। तो अब जा रहा हूँ नीचे नाश्ता वास्ता करने के लिए। अब पता नहीं 12:30 बजे मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा, देखते जाकर के नीचे। चलिए। और गाइस, अभी के मौसम को देखिए, कोई कहेगा ही नहीं कि सुबह इतना तेज बारिश आई थी, और अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है। हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्यों तो अरे बारिश आ गई वहां से, पूरा पानी पानी। फिर रात को मैं वाइपर लेके लगा था, कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, ग्रंथ महाराज सोए आराम से बढ़िया तरीके से। आजा हनी, तो कुछ खिलाता हूँ, आजा। ये हनी ये खाएगी, चलो आजा। पहले हाथ मिलाओ, पहले हाथ मिलाओ मेरे से, हाथ मिलाओ पहले। हाँ शाबाश, अब देंगे आपको हम, ठीक है, ये लो। इसके फेवरेट हो गए आजकल, ये दबा के खा रही आजकल ये। यार ख़त्म हो गई ये भी, चलो कोई बात नहीं, जितने उतने खा ले। मक्खी हाथ में नहीं आ रही, क्या हो गया, क्या बोल रही मक्खी, मैं नहीं आऊँगी तेरे हाथों में, ऐसा बोल रही ऐसे बोल रही। मैं काफ़ी देर से देख रहा था हनी को, ये कर क्या रही है, बाद में मालूम पड़ा कि मक्खी पकड़ ली है। बहुत देर से बैठा हूँ बाहर, चलते हैं अंदर, कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। अब तो 1 बजने वाला, अब तो दिन का खाना ही खाएंगे ना। चलिए जी, चलिए गाइस, तो मैं खा रहा हूँ फिलहाल अभी सूप मैगी। वैसे मैं कम पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कभी खा भी लेता हूँ, खा के पियो या पी के खाओ। सो मैगी खाने के बाद आगे हमारा दाल चावल मूली और भांग की चटनी के साथ, गजब। सो गाइस, यहाँ चल रहा है क्राइम पेट्रोल और टाइम हो गया लगभग 5:30। आ जा चु, घूम के आते हैं। आ होए, धूप बहुत हो रही है, घूमने जाते हो रहे। चलो कोई बात नहीं, चलो गेट खोलो, चलो आने, चलिए चलते घूम के आते। यहाँ चले, चलो फिर। ओह सच में यहाँ बड़ी मस्त हवा चल रही होती है, एकदम ठंडी ठंडी सी, क्योंकि पीपल का पेड़ है ना यहाँ पे, इसकी वजह से हवा अच्छी आती है यहाँ पे। लेकिन अभी हनी आएगी, ये आ गई। चाचू कौन सा वाला पत्ता चाहिए, कौन सा वाला पत्ता चाहिए बताओ, कौन सा वाला चाहिए, ये वाला तोड़ो, तोड़ो फिर, ए खींचो जोर से, तोड़ो जोर से, पकड़ो दोबारा पकड़ो, हाँ खींचो, ए ए खींचो खींचो खींचो, ए नहीं टूटा। लीजिए, हमने तोड़ दिया इनके लिए, ये लो पीपल दा पत्ता। आज चप्पल भी नहीं पहनाई इसको, आज ऐसे लिया है। चलो चलते हैं वापस। चलो हनी भी गई, बड़े मस्त मस्त बैगन हो रहे हैं, चलो बैगन तोड़ते हैं। इसको दादी को देना है, और तोड़े और भी हो रहे थे, एक और बाकी। ऐसा करते हैं, करेले की बेल है, बहुत गंदी दिख रही है, इसको साफ करते हैं। चलो भाई, हनी भी आ गई, पहले ही ना
दादी को दे दूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये करेले की बेल है, ये पूरी साफ करनी है और ठीक ठाक करना है इसको। और बैगन हो रहे हैं, बैगन तोड़ते हैं पहले। तो कितने मस्त मस्त बैगन हो रहे हैं यार, बता रहे हो, मुझे पता ही नहीं है हमारे घर में इतने बैगन हो रहे हैं। हम मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, बताओ। ये देखो क्या बात है, इतने बड़े बड़े बैगन हो रहे हैं। क्या हुआ, वहाँ कहाँ पहुँच गए? ऊपर आ, नीचे आ जा, नीचे आ जाओ। आई शाबाश, आ जाओ नीचे आ जाओ। आई शाबाश, नीचे उतरने का स्टाइल देखो उसका, जो ऊपर जाओ। हाँ ये शाबाश। सो भी देखिए पूरा साफ कर दिया मैंने यहाँ से, बिल्कुल एकदम चमक गया मस्त करके। और गाइस पता आपको, यहाँ पर ना एक साइकिल खड़ी थी, और पता साइकिल कितने साल पुरानी है? पूरे 300 साल पुरानी है। ये देखिए गाइस, 300 साल पुरानी साइकिल, ये निकली है खोजबीन में। जब हमने खुदाई करी, बेल हटाई, तो ये साइकिल निकल के आई, पूरे 300 साल पुरानी साइकिल, गजब। ये साइकिल देख लिया आपने, अब थोड़ा सा और सफाई रह गई है, इसको भी निपटाते हैं। ये अमरूद का पेड़ है, इसको भी हटाना है यहाँ से। सो गाइस सफाई हो गई मस्त करके, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए एकदम चमक गया बिल्कुल। यहाँ भी ठीक कर दिया मैंने थोड़ा सा, और ठीक करना बाकी है इसको। और ये थोड़ा सा हटाने मुझे बैगन के पेड़। ओके सो गाइस साफ सफाई हो गई है एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। बहुत थक गया यार, बाय गॉड, इतनी सारी घास, इतनी सारी मिट्टी, इतनी सारी झाड़ सब साफ करी मैंने। ऊपर आ गया हूँ, फिलहाल टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास, तो पूजा पाठ करते हैं। आज वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ मैं, आज वैसे बहुत थक गया हूँ। अब इसके बाद फिर मुझे जाना है थोड़ा दीदी के साथ में। अभी बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आज होने वाली हमारे घर में मेगा पार्टी। चलिए गाइस पूजा पाठ भी हो गई है, अब चलते हैं। जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ दीदी के साथ में, और बिना लाइट वाली स्कूटी में। अभी तो गाइस सामने से लाइट आ रही तो मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्कूटी में लाइट ही नहीं है। सो पहुंच गए मेन रोड में। सो जो भी मेगा पार्टी होने वाली उसी के लिए आए हम लोग। सो लीजिए आगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। सो गाइस आज हम खाने वाले हैं पिज्जा। सो अब दीदी ऑर्डर कर रही है अपने हिसाब से। सो दीदी यहाँ पर ऑर्डर पैक करवा रही है। सो गाइस देखिए हमने खरीदा है 3240 रुपए का पिज्जा। ओ बाप रे, इतनी लंबा बिल दे दिया इन लोगों ने, गजब मजा ही आ गया। चलिए हो गया शायद, दीदी गई लेने के लिए। चलिए तो चलते हैं यहाँ से। ये मैंने रखे हैं पिज्जा, और बाकी दीदी के हाथ में 3200 रुपए की पिज्जा, मजा आ गया। आज तो दीदी ग्रैंड पार्टी हो गई। चलो चलिए जी अब चलते हैं घर को। चलिए जी पहुंच गए घर, अब लगाते हैं स्कूटी अंदर। और ये निकाले हमने ढेर सारे पिज्ज़ा, यहाँ चल रहा है KBC। और ये मेरा फेवरेट, इसको लास्ट में दिखाएंगे आपको। ये चाचू खुश। चलिए जी शुरू करते हैं, और ये आया हमारा पिज्ज़ा, वाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा फेवरेट चोकोलावा केक, वाओ। सो गाइस मेगा पार्टी होने के बाद फिर मैं ऊपर आ गया रूम पे अपने। मेगा पार्टी यानी कि आप समझ गए होंगे पिज्जा पार्टी। सो आप खुद सोचे गाइस कि हम 4-5 लोगों ने 3200 रुपए की पिज्जा खा दी है, कितने खतरनाक लोग हैं हम लोग भाई। सो गाइस फिर फाइनली सोने का टाइम हो गया है, लगभग 10:45 हो गए, तो सोते हैं फिर अब। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं गाइस। लेकिन गाइस व्लॉग एंड करने से पहले आपको एक खबर बता दें, कल है 25 अगस्त, और 25 अगस्त को होता है दीदी का बर्थडे। फिलहाल गाइस 10:45 हो रहा है, तो 12 बजे तक जागता हूँ, उनके लिए कुछ बनाते हैं अच्छा सा एक वीडियो और सेंड करते हैं, और दीदी को बर्थडे विश करते हैं 12 बजे। सो गाइस मैं इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करता हूँ। आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कल मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। One, two, three, Aishabha.